हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 3 मिस्टेक्स जो अक्सर लोग फूड ट्रायल के दिन करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मैं नए नए वीडियो डालते रहता हूँ। और एक चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, शेफ इंटरव्यू बुक। इसमें है बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स। बुक लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो अभी बात करते हैं 3 मिस्टेक्स क्या है जो अक्सर लोग फूड ट्रायल के दिन करते हैं, जिसकी वजह से आपका फूड ट्रायल भी खराब हो सकते हैं। तो आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना है और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये सारे आपके ही हाथ में है। सबसे पहला मिस्टेक, टाइम पे नहीं पहुँचना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर उनको 10 बजे सुबह बुलाएगा तो 10:30 या 11 बजे पहुंचते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। टाइम पे नहीं पहुंचने से एक तो आपको वहाँ पे रेस्ट नहीं मिलेगा, राइट। उसके बाद वो लोग आपको बोलेंगे कि इतना टाइम तक आपका खाना रेडी होना चाहिए, जैसे कि एक लंच का टाइम रहता है या शाम का है तो डिनर का टाइम रहता है। सारे एसओटी वहाँ पे आपका खाना को टेस्ट करेंगे, राइट। उस टाइम तक खाना वहाँ पे रेडी होना चाहिए। तो आप लेट पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे गाय गाय में रनिंग में आपको खाना बनाना पड़ेगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपका खाना कुछ ख़राब भी हो सकता है। अगर आप एक जल्दी पहुँच के 15-20 मिनट 30 मिनट आप जल्दी पहुँच के थोड़ा वहाँ पे आराम करके आराम से आपका काम अगर आप करना चालू करेंगे तो आपका खाना क्या होगा, अच्छा बनेगा। आपके लिए थोड़ा वहाँ पे टाइम मिलेगा ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि आप नए जगह में खाना बना रहे हो और आप फूड ट्रायल दे रहे हो तो आपका खाना वहाँ पे सबसे अच्छा होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए ये गलती कभी ना करें कि लेट पहुँच के आपका सारा चीज़ वहाँ पे ख़राब हो। आप हमेशा कोशिश करें कम से कम 30 मिनट्स पहले ही वहाँ पे पहुँचें जो टाइम पे वो लोग बुला रहे हैं, राइट। उससे क्या होगा कि आपका इम्प्रेशन भी अच्छा रहेगा, राइट। ये चीज़ आपको ख्याल करनी है। नंबर 2, बिना तैयारी के जाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फूड ट्रायल के लिए बुलाया तो वो लोग डायरेक्ट चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ जाके सोचते हैं कि उनको बनाना क्या है। ये आपको कभी भी ये गलती नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या क्या चीज़ें बनाना है, कैसे बनाना है। इसके लिए हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि एडवांस मेनू प्रिपरेशन करो। आपको कितना डिशेस वहाँ पे देना है, क्या आपको स्टार्टर में देना है, क्या मेन कोर्स में देना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही एक मेनू बना के रखना है। नंबर 3, न्यू डिश ट्राई करना। आजकल लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में रेसिपी देखते हैं और फूड ट्रायल के दिन वो वहाँ पे जाके पहली बार वो खाना बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे लोगों का खाना अच्छा नहीं बन पाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार वो डिश को बनाया होता है। तो इसके लिए ये गलती आपको नहीं करना है। इसके जगह में आप क्या कर सकते हो, आप YouTube से सीखो, उसको पहले ही बनाओ। जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हो वहाँ पे उसको एक दो बार बना के देखो, उसका टेस्ट कैसा है, वो कैसा लगता है, कितना अच्छे से आप बना सकते हो। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद आप फूड ट्रायल में उसको दे सकते हो। लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि जो खाना आप अच्छे से बनाना जानते हो वही खाना आप फूड ट्रायल में दो, आपका सबसे अच्छा फूड ट्रायल होगा। आज मैंने बताया 3 मिस्टेक्स जो अक्सर लोग फूड ट्रायल के दिन करते हैं, टाइम पे नहीं पहुंचना, बिना तैयारी के जाना और न्यू डिश ट्राई करना। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, आपको टाइम पे पहुंचना है। दूसरा है तैयारी करके जाना है, एडवांस मेनू बनाना है, उसका इंग्रेडिएंट्स लिस्ट लिखना है। तीसरा है जो खाना आपको अच्छे से बनाना आता है वही खाना आपको फूड ट्रायल में देना है। आज के लिए इतने ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।